दोस्तों, आईपीएस बनना आज देश के कई नौजवानों का सपना है, लेकिन हर किसी का यह सपना पूरा नहीं हो पाता है। आज देश में कई आईपीएस ऑफिसर्स हैं जो अपने काम से अपना नाम बना रहे हैं। ऐसे ही एक आईपीएस ऑफिसर हैं नवनीत सिकेरा, जिन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जो लाजवाब हैं, और अपने इन कामों के चलते ही वे लाखों युवाओं की प्रेरणा बने हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नवनीत सिकेरा 1996 आईएएस कैडेट बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और उत्तर प्रदेश में महिला सशक्त लाइन में इंस्पेक्टर जनरल के रूप में काम कर चुके हैं। वहीं फिलहाल नवनीत सिकेरा एडीजी के पद पर हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। एक आईपीएस ऑफिसर होने के साथ ही नवनीत लोक सेवक, वक्ता, महिला सशक्तिकरण, व्यवसायी आदि रूप में भी खुद को स्थापित कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको नवनीत सिकेरा कौन है, नवनीत सिकेरा की बायोग्राफी, नवनीत सिकेरा का कैरियर, नवनीत सिकेरा का परिवार आदि के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं नवनीत सिकेरा की जीवनी के बारे में और जानते हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नवनीत सिकेरा की लाइफ स्टोरी। दोस्तों, नवनीत सिकेरा एक आईपीएस ऑफिसर हैं और वर्तमान में एडीजी के पद पर रहते हुए काम कर रहे हैं। 50 वर्षीय नवनीत सिकेरा उत्तर प्रदेश के एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में काम कर रहे नवनीत सिकेरा को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाता है। वहीं उनके आईपीएस कैरियर पर एक वेब सीरीज भोकाल भी बनाई गई है, जिसका दूसरा पार्ट हाल ही में भोकाल 2 भी आया है। वहीं आपको बता दें कि आईपीएस नवनीत सिकेरा का जन्म 22 अक्टूबर 1971 को हुआ था। यूपी के एटा स्थित एक किसान परिवार में जन्मे नवनीत की उम्र 50 साल है। बचपन से ही आईपीएस ऑफिसर काफी होशियार रहे। आईपीएस ऑफिसर ने अपनी 12वीं क्लास तक की पढ़ाई शासकीय हिंदी मीडियम बॉयज कॉलेज से की है। नवनीत ने अपने स्कूली शिक्षा में मैथ्स को अपने सब्जेक्ट के रूप में चुना था। उन्हें इंग्लिश बोलने में कुछ प्रॉब्लम होती थी और इसी कारण ही उन्होंने दिल्ली स्थित हंस राज कॉलेज में प्रवेश नहीं लिया। हालांकि नवनीत सिकेरा को एक आईआईटी कॉलेज में पढ़ना था और इस कारण उन्होंने आईआईटी की प्रिपरेशन शुरू कर दी और अपनी पहली ही कोशिश में आईआईटी जेईई की एग्जाम को पास करने में सफल रहे। इसके बाद नवनीत सिकेरा का एडमिशन आईआईटी रुड़की में हुआ और उन्होंने वहां से साल 1993 में अपनी इंजीनियरिंग, जो कि कंप्यूटर साइंस में थी, पूरी की। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को पूरा करने के बाद नवनीत सिकेरा ने यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दिया और इस एग्जाम को क्लियर भी कर लिया। लेकिन नवनीत सिकेरा ने आईएएस का रास्ता न चुनकर आईपीएस का सिलेक्शन किया। वे साल 1996 की आईपीएस बैच में रहे थे। आईपीएस बनने के बाद नवनीत सिकेरा को पहली पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सहायक पुलिस निरीक्षक एएसपी के तौर पर हुई थी। अपनी सर्विस में रहते हुए ही नवनीत सिकेरा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद से अपना एमबीए भी पूरा किया। आईएएस एएसपी के पद पर रहने के बाद नवनीत सिकेरा ने बतौर इंस्पेक्टर जनरल भी काम किया। फिलहाल वे एडीजी के पद पर कार्यरत हैं। वहीं आपको बता दें कि आईपीएस ऑफिसर नवनीत सिकेरा के पिता का नाम मनोहर सिंह है। आईपीएस बनने के कुछ समय बाद ही उन्होंने शादी कर ली थी। नवनीत सिकेरा की पत्नी का नाम डॉक्टर पूजा ठाकुर है। पूजा एक सोशल वर्कर, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। इसके साथ ही पूजा ठाकुर का एक महिला सशक्तिकरण संस्था मिशन सशक्त की फाउंडर भी है। नवनीत सिकेरा और पूजा ठाकुर के दो बच्चे हैं। आईपीएस ऑफिसर नवनीत सिकेरा की लाइफ स्टोरी पर एक वेब सीरीज वोकाल भी बनाई गई है। इस वेब सीरीज में नवनीत सिकेरा का किरदार मशहूर एक्टर मोहित रैना ने निभाया है। इस सीरीज में
नवनीत सिकेला के द्वारा किए गए इनकाउंटर को भी दिखाया गया। आखिर आईपीएस ऑफिसर क्यों बने नवनीत सिकेला? दोस्तों, बात उस समय की है जब नवनीत सिकेला के पिता ने गांव में अपनी मेहनत के पैसों से एक जमीन खरीदी थी, लेकिन इस जमीन पर कुछ लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। नवनीत अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव गए और अपने पिता के साथ थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ऑफिसर से उन्हें किसी तरह की मदद नहीं मिली। पुलिस वालों को जब यह पता चला कि नवनीत सिकेला एक इंजीनियर है, तो यह कहकर वहां से निकाल दिया कि ये इंजीनियर ऐसे ही बेकार रहते हैं। यह बात नवनीत को काफी बुरी लगी और उन्होंने एमटेक ना करते हुए यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दिया। यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें आईएएस का पद मिल रहा था, लेकिन उन्होंने इसके बजाय आईपीएस को चुना। वहीं आईपीएस बनने के बाद नवनीत सिकेला ने कुछ जगहों पर ट्रेनिंग टाइम बिताया और इसके बाद वे मुजफ्फरनगर पहुंच गए। लेकिन यहां आपराधिक तत्व काफी एक्टिव थे और उन्होंने लोगों की नाक में दम कर दिया था। नवनीत सिकेला ने यहां एसएसपी का पद संभाला और एक स्पेशल टीम बनाई। इस टीम के साथ मिलकर नवनीत सिकेला ने एक के बाद एक कई अपराधियों को सबक सिखाना शुरू किया। उनके काम को देखते हुए वहां के लोगों ने सुपर कॉप कहना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स कहती है कि नवनीत सिकेला ने करीब 40 इनकाउंटर्स को अंजाम दिया। एक घटना मेरठ की है, जब उन्हें मुजफ्फरनगर के बाद यहां पहुंचाया गया था। यहां भी लोगों को कई बूढ़े लोगों ने परेशान किया हुआ था, लेकिन लोगों को नवनीत सिकेला के बारे में पता था और उनसे उन्हें कई उम्मीदें भी थी। नवनीत सिकेला भी लोगों की उम्मीदों पर खड़े उतरे और उन्होंने अपराधियों का सफाया करना शुरू कर दिया। जब यहां से नवनीत सिकेला का ट्रांसफर हुआ, तो लोगों ने हर तरफ उन्हें वापस लाने के लिए पोस्टर लगाए थे। मेरठ के बाद नवनीत सिकेला लखनऊ पहुंचे और यहां भी उनका अपराधियों का सफाया करने का सिलसिला वैसे ही चलता रहा। उनका एक गैंगस्टर रमेश कालिया का एनकाउंटर का किस्सा बहुत चर्चित भी रहा। बताया जाता है कि नवनीत सिकेला ने अब तक 60 से भी अधिक इनकाउंटर किए हैं। आपका इस खबर पे क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।